चने डाल देती हूँ, डाल देती हूँ। तो ये देखे माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले चावल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, हम सब भी ठीक हैं। अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करते रहें। तो माशाल्लाह जी आज हम बनाने जा रहे हैं चने वाला पुलाव, चावलों का पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो मैंने चने भिगो के रख दिए थे, तो बस अब गैस आने वाला है तो वो मैंने कहा चढ़ा दूँ, फिर बाकी काम बाद में करती रहूँगी। तो एक घंटा पहले मैंने इनको भिगो के रख दिया था पानी में, थोड़ा सा नमक भी मैंने इसके अंदर डाल के रख दिया था। तो अब इनको चढ़ा देती हूँ मैं। क्या खा रही हो? चने कच्चे हैं अभी, जब पक जाएंगे ना फिर खाना है। साथ में चावल भी भिगो के रख देती हूँ, तो चावल भी भिगोने, क्योंकि चावल हैं कर्नल के। तो ये वाले जो चावल हैं ये कैनाट बासमती है, तो मैं बताना भूल गई थी, पहले मैंने आपको कहा था कि कर्नल के, क्योंकि पिछली बार जब हमने लिए थे वो कर्नल के थे, ये कैनाट के हैं। क्या ढूंढ रही हो? कचरा साफ है, साफ है, हटो हटो भिगो के रख दो, नहीं है इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। वैसे जी इन वाले चावलों को 2 घंटे के लिए भिगोना चाहिए, मैं 1 घंटा तकरीबन इसे इन्हें भिगोऊंगी, जब तक मेरे चने भी तैयार हो जाएंगे। और चावल भिगो के मैंने रख दिए हैं, बस मिसाला आप तैयार करना है मैंने। शाबाश, आ जाओ प्यारा बेटा काम करवा रहा है मम्मा के साथ है, मेरा प्यारा बेटा है। आप किसके बेटे हो? किसके? अबू के। मैं यहाँ पर काली मिर्च कूट ली, तो फिर पहले क्योंकि ये सूखी थी तो इसलिए मैंने कहा काली मिर्च कूट लूँ, बाद में लहसुन अदरक और धनिया वगैरह फिर इसमें कूट के रख दूँगी। हट जाओ, बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सबसे पहले आयल, तो इसी के साथ सबसे पहले प्याज डाल देती हूँ। चावल 1 किलो है और चने जो है 1.5 पाव है, इसमें तो चावल में डालने हैं चने। तो माशाल्लाह जी प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, हरी मिर्च, अदरक लहसुन कुटी हुई और टमाटरों का पेस्ट। ये जी इमली मैंने भिगो के रखती थी कटोरी में, उसकी जो गुठलियाँ हैं वो मैं निकाल लेती हूँ सारी। और इसी के साथ ये दही भी मैंने लिया है, वो भी इसमें डाल देती हूँ। तकरीबन आधा कप दही का है। माशाल्लाह मिसाला अच्छे से भुनाई हो गया है। बस अब लाल मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी इस्तेमाल करें क्योंकि मैंने हरी मिर्च काफ़ी डाली है इसमें। और साथ में नमक भी। थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी अजवाइन। और इसी के साथ काली मिर्चें भी जो मैंने कूटी हैं वो भी डाल रही हूँ इसमें। अगर मसाला माशाल्लाह तैयार हो जाए तो फिर पानी इसमें, वो छोले इसमें डाल दें, पानी भूल दें। क्या दूँ? छोले छोले दो मेरे बेटे को, इधर दो, खुद लेने हैं। चलो थोड़े से लो, थोड़े से बिल्कुल थोड़े करो, अभी भी थोड़े करो मेरा बेटा, इतने नहीं खाने आपने। चलो ऐसा कभी खिलाना साथ, चलो जाओ। माशाल्लाह मिसाला हमारा भुनाई हो गया है, तो इसमें अब चने डाल देती हूँ। ऐशा हट जाओ मेरा बेटा, हट जाओ, वो कटोरी ले ऐशा, आप कटोरी ले। तो 2 मिनट हो गए हैं छोले को डाले हुए, मिसाले में तो छोले भी भुनाई हो गए। अब इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह एक दो तीन चार, थोड़ा सा पानी मैंने कम डाला है, इतना गिलास, थोड़ा सा यहाँ तक, क्योंकि चावल भिगो के रखे हुए हैं तो इसलिए पानी मैंने थोड़ा सा कम डाला है। अच्छा तो अब जी इसके अंदर साबित गरम मसाला भी डाल देती हूँ, फिर इसे ढक्कन बंद करके खड़ा कर दूंगी पानी उबलने तक। पानी उबल जाएगा, मैं चावल उस तरफ धो लूंगी, तो फिर बाद में चावल भी डाल दूंगी। चलो हट जाओ, तो 4-5 हरी मिर्चें और लीमू मैंने 1 लिया है उसे काट कर ये भी इसमें डाल देती हूँ। अब इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ, पानी उबल जाए मैं चावल धो लूँ।
माशाल्लाह जी पानी उबल चुका है, तो इसके अंदर अब चावल डाल देती हूँ। तो नमक मैंने चेक किया है, नमक जरा कम लग रहा था, तो इसमें थोड़ा सा नमक और मैं डाल रही हूँ। 5 मिनट हो गए, मैं जरा इनको चेक कर लूँ, तो माशाल्लाह पकने वाले आधे पक चुके हैं, बस अभी आधे रहते हैं, तो वो भी 5 मिनट तक पक जाएंगे। माशाल्लाह जी मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं, और 5 मिनट के बाद ढक्कन उतार रही हूँ, तो अब हरा धनिया भी इसके ऊपर छिड़क देती हूँ। माशाल्लाह इनको दम लगा देती हूँ, आग बिल्कुल हल्की कर देती हूँ, बिल्कुल हल्की हल्की आँच पे मैंने खड़ा कर दिया है, बिल्कुल हल्की आँच है, भाई रोशनी है तो इसी वजह से आग नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल मैंने हल्की आँच पे खड़ा कर दिया इसको। तकरीबन मैंने दम लगाया है, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, जब तक मैं चटनी भी बना लूँ और सलाद वगैरह भी बना लूँ साथ में। माशाल्लाह जी दम खोलते हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि जल्दी करें हमें खाना दें, क्योंकि बच्चों को भूख लगी है, काफ़ी टाइम गुजर गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी देख लें, चावल बहुत ही प्यारे और खिले खिले से रख रहे हैं, और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। तो चम्मच अभी मैंने नहीं मारना चावलों में 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि ढक्कन इसका मैंने उतार के रख दिया है, इसकी भाप वगैरह जो होती है वो निकल जाए, तो फिर बाद में चम्मच से चावल निकाल लूँगी, क्योंकि अगर फौरन ही चम्मच डाल दें चावलों में चावल निकाल लें तो चावल टूट जाते हैं। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, तो 2 मिनट के बाद मैं चावलों के अंदर चम्मच मार रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले चावल हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना आप गिरा दोगी। आपने नहीं खानी तो ना खाओ, भैया ने खानी है चावल पे डाल के। दीख आपको जी छोड़ो, बस इसने चटनी पीनी है चावल। माशाल्लाह जी हमारा चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बहुत ही मज़े का बना हुआ है, चटनी की ज़रूरत ही नहीं, इतना टेस्टी बना हुआ है। तो इसी के साथ आज की ये वाली वीडियो भी ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।